हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज बात करेंगे एम्ब्रॉयडरी मशीन के आउटपुट। तो सबसे पहले हमने डिज़ाइन को काटा, उसके बाद आपको हम बताएंगे एक मेमोरी का बटन है उसको दबाना है, उसके बाद आपको 3 नंबर पर आके एंटर करना है, ठीक है। और एंटर करने के बाद आपको कोई भी डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप आउटपुट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम 10 नंबर डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 10 नंबर को सिलेक्ट करके हम इसको आउटपुट करेंगे। तो हमने इंटर किया, इंटर करने के बाद नीचे आपको मांग रहा है नंबर, आप कोई भी रैंडमली नंबर दे सकते हो। जैसे कि हमने अभी नंबर दिया 13 नंबर दिया, ठीक है, आप देख सकते हो 13 नंबर देने के बाद इंटर किया। करने के बाद आपकी डिस्प्ले में मॉनिटर ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस फोल्डर में देना है डिज़ाइन को उस फोल्डर में आइए। हमने आया, आने के बाद जैसे ए फोल्डर में हम डिज़ाइन को देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इंटर करना है, करने के बाद आपको स्केप स्विच, बैक स्विच को एक बार दबाना है, ठीक है। चलिए, हमने एक बार दबा दिया। तो फ्रेंड, अभी फ़िलहाल हो रहा है क्या कि आपका डिज़ाइन जो है आउटपुट हो रहा है, ठीक है। मतलब आपका डिज़ाइन मॉनिटर से पेन ड्राइव पे जाएगा, ठीक है। डिस इनपुट और आउटपुट, डिस इनपुट पेन ड्राइव से मॉनिटर में जाएगा और आउटपुट मॉनिटर से पेन ड्राइव पे आएगा, ठीक है। तो हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 नंबर पे फिर से आना है। आने के बाद आपको इंटर करना है, इंटर करने के बाद जो ए फोल्डर है ना मॉनिटर में, आपको उसमें जाना है। तो ए फोल्डर में हम अभी फ़िलहाल जा रहे हैं। उसके बाद आपको इंटर करना है, इंटर करने के बाद तो आप 13 नंबर देख सकते हो नीचे है, 13 नंबर डिज़ाइन जिसको हमने अभी मॉनिटर से पेन ड्राइव पे लिया, वह हमारा पेन ड्राइव पे आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देख सकते हो 13 नंबर डिज़ाइन। तो आप भी अपना मशीन का आउटपुट ऐसे कर सकते हो। और भाई लोग, कोई भी आपको दिक्कत हो आउटपुट करने में, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें ज़रूर कॉमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए इसके बारे में भी थोड़ा हमको बताइए आप लोग, क्योंकि कुछ नया टॉपिक मिलना चाहिए, कुछ नया टॉपिक जो आप लोगों का बहुत ही काम आ सके, ऐसे टॉपिक पे आप कमेंट कीजिए, हम वीडियो आपको ज़रूर बना देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, सबका दिन शुभ रहे। और एक बात, वीडियो हम आपको डेली देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।